फोकस लिस्ट में भी रहता है वेदांता, इस पर रखिए नजर। वेदांता रिसोर्सेज जो इनकी पेरेंट कंपनी है वो कह रही है कि FY22 में और कर्ज कम किया जाएगा, करीब 50 करोड़ डॉलर की कर्ज में कटौती की कर सकती है कंपनी। तो वेदांता रिसोर्सेज मतलब वेदांता ही की बात होगी सर, कैसे देखें? कैसे करेंगी डिविडेंड्स बिल्कुल। तो आपने 18.5 रुपए का डिविडेंड देख लिया, स्पेशल डिविडेंड जो वेदांता की तरफ से आया, अभी डिविडेंड बाकी है हिंदुस्तान जिंक का। करेक्ट, हिंदुस्तान जिंक भी अपना डिविडेंड देगी और हिंदुस्तान जिंक से वेदांता लिमिटेड में आएगा, वेदांता से वेदांता रिसोर्सेज वेदांता PLC में जो जाएगा। तो कर्ज कम करने की जो तैयारी है, और जाहिर सी बात है देखिए लगभग सारी कमोडिटीज जिसमें वेदांता ग्रुप है वो सारी जबरदस्त तेजी में है। मेटल्स देख लें, ऑयल देख लें, है ना, तो सारे एल्यूमिनियम के लिए भी अच्छी खबर तो गजब चल रहे हैं। मतलब तो उस लिहाज से आज आप देखिए 302 रुपए के आसपास है और 18.5 रुपए का डिविडेंड आया है, यानी कि 320 रुपए का भाव है वेदांता का डिविडेंड के पहले का, 340 का हाई बनाया है, तो अपने हाईस के से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 20 रुपए है। तो इसलिए जैसे जैसे कर्ज कम करने की इनकी तैयारी है वैसे वैसे इनको डिविडेंड देना ही होगा नेचुरली। तो हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड ऑलरेडी टाला हुआ है, आगे पीछे आएगा भी। तो हिंदुस्तान जिंक और वेदांता दोनों स्टॉक, जरा जैन साहब दें अपनी राय, क्या है आपका व्यू? नहीं, बहुत पॉजिटिव न्यूज है। और आपने जो कहा कि देखिए डिविडेंड्स का, तो एक्चुअली में जो बेनिफिट मिल रहा है कंपनी को, और दोनों जबरदस्त कंपनीज है जहां से डिविडेंड्स आते हैं और उससे लोग रीपे करेंगे, सो दैट्स अ वेरी गुड स्टेप। इनफैक्ट जो पास्ट में जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी, और जिस तरीके से जिस भी मेटल्स में जिस भी कमोडिटीज में ये कंपनी है वो सारे हाथ घी में है अभी इस कंपनी की, और मैं यही कहूंगा कि उसका भरपूर इनफैक्ट सही तरीके से इस्तेमाल भी कर रही है जो भी कैश फ्लो आ रहे हैं। सो आई फील कि इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज। और देखिए बायबैक और ये सब और डीलिस्टिंग और ये सब, तो सॉरी डीलिस्टिंग की तो बात चलती रहती है और अच्छा खासा ऑलरेडी मूव कर चुका है, तो मेरे हिसाब से इट्स अ गुड पॉजिटिव न्यूज, मार्केट शुड रिएक्ट पॉजिटिवली।